तो दोस्तों, जैसे ही आप कोई गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको गूगल द्वारा गूगल ड्राइव पे 15 GB का क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन चूंकि 15 GB काफ़ी लिमिटेड स्पेस है तो ये एक ना एक दिन आपका फुल हो जाता है और ये ब्लू से रेड हो जाता है कुछ इस टाइप का। और गूगल ड्राइव पे स्टोरेज फुल होने के बाद आप ईमेल भी रिसीव नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा गूगल ड्राइव के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे मेथड्स देखने हैं क्योंकि कोई भी मेथड आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए स्टोरेज फुल होने का अलग अलग रीज़न हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले मेथड की। तो अगर आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 3 लाइन पे टैप करने के बाद अपना स्टोरेज दिख जाता है कि कितना परसेंट फुल है। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरा 10 GB यूज़ किया हुआ है 15 GB में से। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने स्टोरेज पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किसने किसने आपका स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो गूगल फोटोज़ ने 8 GB ऑक्यूपाई किया हुआ है, जीमेल ने लगभग 2.5 GB और गूगल ड्राइव ने 157 MB। तो स्टोरेज को क्लीन करने के लिए हमें मिली इन 3 चीज़ों पर ही फोकस करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लीनअप का बटन मिलता है, क्लीनअप स्पेस। तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कितना आपके पास स्पैम मेल पड़ा हुआ है जो कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो क्लियर पे टैप करके। उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल जाता है जो भी लार्ज फाइल्स हैं आपके जीमेल पे, 1.1 GB का लार्ज फाइल्स में जीमेल पे पड़ा हुआ है, उसे भी यहाँ पे आपको क्लीन कर देना है। उसके अलावा आपके गूगल ड्राइव पे भी जो भी लार्ज फाइल्स है वो भी दिख जाता है यहाँ पे आपको, और आपके गूगल फोटोज़ में जो भी लार्ज फाइल है वो भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन तीनों से लार्ज फाइल्स को क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पहला मेथड ही आपके स्पेस को काफ़ी हद तक क्लीन कर देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग गूगल फोटोज़ पे ऑटोमेटिक बैकअप ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हो या फिर कोई वीडियो बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल फोटोज़ पे अपलोड हो जाता है, मीन्स आपके गूगल ड्राइव के स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ कर देना है, क्योंकि वो फोटो और वीडियो आपके मोबाइल में तो स्टोर है ही, साथ ही साथ आपके गूगल ड्राइव पे भी स्टोर होता है गूगल फोटोज एप्लीकेशन के जरिए। तो यहाँ पे दो अलग अलग जगह स्टोर करने से अच्छा है कि आप सिर्फ अपने फोन के स्टोरेज में ही स्टोर करो या फिर SD कार्ड में स्टोर करो। इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको गूगल फोटोज ऐप को ओपन कर लेना है। गूगल फोटोज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपना वो गूगल ड्राइव का ईमेल आईडी दिख जाएगा जिसपे बैकअप होगा, तो आपको सिंपली इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ये ऑन किया हुआ मिलेगा। तो सिंपली आपको ऑटो बैकअप ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे फोटोज या फिर वीडियोज स्टोर नहीं होगा गूगल फोटोज ऐप के जरिए, और आपका स्टोरेज क्लीन रहेगा। तो अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तो आपको रोजाना ढेर सारे ईमेल आते होंगे आपके जीमेल ऐप पे, और उसमें बहुत सारा फाइल्स अटैच रहता है जैसे कि पिक्चर, PDF, पावर पॉइंट, एक्सेल फाइल्स। तो जो भी आपके रिसीव्ड ईमेल पे फाइल्स अटैच होता है वो आपके गूगल ड्राइव के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे आपको उन ईमेल्स को आइडेंटिफाई करके डिलीट कर देना है, फाइल्स को रिमूव कर देना है। इसके लिए आपको सिंपली जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको उन ईमेल्स को सर्च करने के लिए सिंपली सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आपको अटैचमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अटैचमेंट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है उन ईमेल्स को जिसमें अटैचमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ वही ईमेल है जिसमें कि कोई ना कोई अटैचमेंट है, जैसे कि कोई पिक्चर या फिर कोई डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप उन ईमेल्स को डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च में जा करके कुछ इस टाइप का सर्च करते हो जैसे कि हैज़ कॉलम अटैचमेंट स्पेस लार्जर कॉलम 1 MB, तो आपके पास सिर्फ वो ईमेल शो होंगे जिसका कि साइज 1 MB से ज़्यादा होगा। यही अगर आप यहाँ पे 1 के जगह पे 5 कर देते हो और सर्च करते हो तो आपके पास सिर्फ वो ईमेल दिखाई देंगे जिसका कि साइज 5 MB से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप लार्ज साइज वाले ईमेल्स को डिलीट कर सकते हो और अपने स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मेथड की। तो हम अपने WhatsApp चैट का बैकअप गूगल ड्राइव पे बना के रखते हैं, और हमारे चैट का बैकअप 2 GB 4 GB इस साइज का भी बन जाता है जो कि आपके पूरे गूगल ड्राइव को फुल कर देता है। तो अगर आप अपने WhatsApp ऐप को ओपन करो और यहाँ पे अगर आप इस 3 डॉट पे टैप करते हो और सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको चैट पे जाना है। चैट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिलता है, इस पे टैप कर देना है। चैट बैकअप पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे केस में 1.4 GB का बैकअप बना हुआ है गूगल ड्राइव पे,
और ये है वो मेरा गूगल अकाउंट मीन्स गूगल ड्राइव अकाउंट जिसपे कि मेरा बैकअप बन रहा है। तो 1.4 GB मेरा सिर्फ व्हाट्सअप चैट बैकअप से ही ऑक्यूपाई किया हुआ है आउट ऑफ 15 GB। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने बैकअप को रिमूव कर सकते हो और किसी दूसरे गूगल अकाउंट के गूगल ड्राइव पे अपने बैकअप को स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप से बाहर आ जाना है, अपने गूगल ड्राइव ऐप को ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस 3 लाइन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको बैकअप्स पर टैप करने के बाद दिख जाएगा आपको सारे बैकअप जो आपने बनाए होंगे। तो देख सकते हो मेरे एक फ़ोन का भी बैकअप बना हुआ है और दूसरा मेरे व्हाट्सअप का बैकअप बना हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने बैकअप्स को डिलीट कर सकते हो और दूसरे गूगल ड्राइव पे बैकअप बना सकते हो। इस तरह से भी आपका स्टोरेज क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी फाइल को जीमेल से, गूगल फोटोज से या फिर गूगल ड्राइव से डिलीट करते हो तो परमानेंटली आपका डिलीट नहीं होता है, वो आपके बिन में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं जीमेल ऐप ओपन करूं और मैं किसी ईमेल को डिलीट करता हूं, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, तो ये परमानेंटली अभी मेरा डिलीट नहीं हुआ है, ये मुझे अपने बिन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिन का ऑप्शन आता है, अगर आप बिन पे जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरा ये स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे रीस्टोर कर सकता हूँ या फिर एम्प्टी कर सकता हूँ। अब ये परमानेंटली आपके जीमेल से डिलीट होता है। सिमिलरली ये बिन का ऑप्शन आपको गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव पे भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आप उन डॉक्यूमेंट्स के कैश डेटा को क्लियर कर सकते हो जो कि गूगल ड्राइव पे स्टोर किया हुआ है। इसके लिए आपको सिंपली गूगल ड्राइव ऐप ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस 3 लाइन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर कैश और कैश साइज दिख जाएगा जो कि 250 MB है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे ही आप कोई गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको गूगल ड्राइव पे 15 GB का फ्री स्टोरेज मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो आपके पास 15 GB है। इस तरह से आप मल्टीपल जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो हर गूगल अकाउंट के साथ आपको 15 GB का स्पेस मिल जाएगा। तो अगर आप एक के जगह पे 3 गूगल अकाउंट रखते हो तो आपको 15 × 3 = 45 GB का स्पेस मिल जाएगा। और आप अपने एक गूगल ड्राइव के फाइल्स को मल्टीपल गूगल ड्राइव्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हो। इस तरह से भी आप अपने फाइल्स को मैनेज कर सकते हो। तो कैसे गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 15 GB के अलावा आप सेम गूगल अकाउंट पे और भी ज़्यादा स्टोरेज परचेज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज के नीचे आपको बाय स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली और एनुअल चार्जेस पे करना होता है एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 GB स्टोरेज मिलेगा, लेकिन आपको 130 rupees पर मंथ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लान मिल जाता है मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है या फिर आपके लैपटॉप का सी ड्राइव फुल हो गया है, तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको गूगल ड्राइव स्टोरेज को मैनेज करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।